हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये कॉम्प्रेसर है, ये क्रेटा का कॉम्प्रेसर है। तो ये कॉम्प्रेसर मैंने रिप्लेस किया है। रिप्लेस क्यों किया है? क्योंकि ये कॉम्प्रेसर आप जो देख पा रहे हैं, मैं इसको घुमा रहा हूँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये शाफ्ट है, शाफ्ट को लेके नहीं घूम पा रहा है। ये क्यों नहीं घूम पा रहा है? क्योंकि कॉम्प्रेसर के अंदर ऑयल ना रहने की वजह से ना, तो कॉम्प्रेसर जाम हो चुका था। क्योंकि कंप्रेसर ऑयल ना रहने के वजह से कंप्रेसर लुब्रिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता था। तो इसकी वजह से कंप्रेसर यहाँ से जो जॉइंट रहती है, वेल्डिंग रहता है, जो इसको और ये लेकर के, यानी क्लच और शाफ्ट लेकर के जो जॉइंट कनेक्शन रहता है, वो टूट चुकी है। क्योंकि कंप्रेसर अंदर से जाम हो चुका था इसके वजह से। तो ऑयल ना रहने की वजह से ही ये हुआ है। तो आप अपनी गाड़ी का केयर खुद करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंप्रेसर कंडीशन फुल कंडीशन में है, बट इसमें ऑयल ना रहने की वजह से ये कंप्रेसर टूट चुका है। और ये करेटा का कंप्रेसर है। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।